हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क हार्ट पॉपअप चॉकलेट के बारे में बताएंगे कि 100% कोकोआ से बना हुआ है। इसका जो सोर्स है वो कोकोआ है और ये बहुत ही बेहतरीन चॉकलेट है। आप किसी भी अपने लव्ड वन को उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए ये चॉकलेट आप गिफ्ट में दे सकते हैं। डेयरी मिल्क ने इस चॉकलेट को वैलेंटाइन के टाइम से इसको प्रमोट किया था और उसी समय लॉन्च किया था इस चॉकलेट को, और ये गिफ्ट देने के लिए तो बहुत ही बेहतरीन चॉकलेट में से एक है। अब इसके जान लेते हैं इसके डिटेल्स में। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कोकोआ लाइफ जो है किसानों को पर्यावरण के अनुकूल खेती के माध्यम से अपने पेड़ों से सबसे अधिक कोकोआ प्राप्त करने में मदद करता है। और यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर है जहाँ से आप फीडबैक दे सकते हैं। यहाँ पे है आपका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, ये देखिए पर 100 ग्राम के वजह से एनर्जी कितनी है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, फैट कितना है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में और इसको कैसे रखना इसका है। इसका जो बेस्ट वे फॉर है वो 12 मंथ फ्रॉम पैकेजिंग है। पैकेजिंग से आप 12 मंथ तक इसको रख सकते हैं। अब इसका इंग्रेडिएंट्स है, जो इसके इंग्रेडिएंट्स है, शुगर मिल्क सॉलिड्स है, कोकोआ बटर, कोकोआ सॉलिड्स है, और ये सब चीज़ें मिलाकर इसे बनाया गया और नेचुरल फ्लेवर के लिए इसमें कंटेंट ऐड किए गए हैं। इस चॉकलेट को ड्राई एंड कूल प्लेस पर रखना है। आप नॉर्मली फ्रिज में रख सकते हैं जैसा कि आप सभी चॉकलेट को रखते हैं। 150 ग्राम का ये चॉकलेट आपको 150 रुपीज़ में मिल जाएगा। इस चॉकलेट में जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं वो 100% वेजिटेरियन है। इस चॉकलेट का स्वाद इतना ज़्यादा अच्छा है कि बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल मलाईदार, बिल्कुल एक अलग तरीके रिच तरीके का फीलिंग आपको आएगी। बहुत ही अलग स्वाद का है, बिल्कुल सॉफ्ट, स्मूथ, क्रीमी, जो कह सकते हैं उस तरीके का मुंह में घुल जाने वाला स्वाद है इसका। अब हम इसको ओपन करके देखेंगे कि ये अंदर से कैसा दिखता है और इसके बारे में और ओपन करके हम ये भी देखेंगे कि इसका जो हार्ट है वो पॉपअप कैसे होता है, कैसे ओपन होता है। तो चलिए देख लेते हैं। 25 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर में आपको इसे नहीं रखना है। ये साइड में दिया हुआ था तो इस वजह से छूट गया था। अब देख लेते हैं ओपन करके। इसकी पैकिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है, प्रॉपर तरीके से। ये देखिए सिल्क का एक उसमें कवर किया गया है। अब हम इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी एक और भी पैकिंग है, तो इसको भी हम ओपन कर लेंगे। ओ, बबल्स टाइम में कुछ दिख रहा है चॉकलेट। अभी हम इसको अंदर से देख लेते हैं कि कैसा दिखता है ये। वो तो अब हमारा चॉकलेट जो है वो ओपन होने वाला है। सच में मुझे तो अभी खाने का मन हो रहा है, जल्दी ओपन हो जाओ ताकि मैं जल्दी से हार्ट पॉपअप करूं और उसके बाद इसे इंजॉय करूं। तो अब ये ओपन हो गया। एक्चुअली मैंने थोड़ी देर चॉकलेट को बाहर रख दिया था तो मे बी इस वजह से ये थोड़ा सा वो हो गया, चिपक गया है। तो बट ये देखिए ये ओपन हो गया है चॉकलेट। अब हम इसका हार्ट जो है वो पॉपअप करेंगे। तो इसे एक प्रॉब्लम है, मैंने जब इसको हार्ट पॉपअप किया था तो ये आसानी से निकल नहीं रहा है। हमें लगता है कि कुछ उन्हें ऐसा बनाना चाहिए कि वो बहुत आसानी से हो जाए। काफ़ी मेहनत करने के बाद से ये निकला था जो हार्ट है। तो अभी देखिए बहुत इधर पीछे कुछ ऐसे लाइंस होनी चाहिए जैसे वो बहुत आसानी से पुश करने पे हो जाए, बट ऐसा इसमें नहीं होता है। ये मुझे जहाँ तक लगती है कि थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर हार्ट पॉपअप है तो हार्ट प्रॉपर तरीके से निकलना चाहिए, बट इसमें बहुत मेहनत करने के बाद भी सही से निकला नहीं था। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से मैं पुश कर रही हूँ, बार बार पुश कर रही हूँ, फिर भी हो नहीं रहा है वो। तो जहाँ तक कि इसमें ये थोड़ी सी मिस्टेक है। अब देखते हैं अब इसको कैसे होता है पॉपअप, कितनी मेहनत लगती है इसमें। ओ, ये लो मैंने पूरा जोर लगा दिया। ओ माय गॉड, लो टूट गया, नहीं हुआ ना पापा अच्छे से। मैं कह रही थी बहुत मुश्किल होता है, अब जाके ये निकला ऐसे, जब दो बार टूटने की वजह से फिर जाके निकलता है ये। मतलब होना चाहिए कि हमारी चॉकलेट ना टूटे और बीच से आसानी से निकल जाए, तब ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ज़्यादा मज़ा आएगा और आपके जो लव्ड वन है उनको भी बेहद पसंद आएगा ये चीज़। उन्हें भी बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा अगर ऐसे होगा। अब
आप देख सकते हैं ये कैसा दिखता है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर छोटे छोटे से ड्राई फ्रूट्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, बहुत ही खाने में मज़ेदार है। ऐसे ही नए नए प्रोडक्ट्स के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा